टीजीआई डीवी चंद्रचूड़ इन दिनों G20 देशों के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुखों के G20 सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो गए। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीजीआई ने भारतीय पत्रकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि गलत सूचनाओं के रोकने और कानूनी कार्यवाही की गलत फहमी को दूर कर सटीक अदालती समाचारों को सबके सामने लाने में भारत के कानूनी पत्रकार बखूबी भूमिका निभा रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय अदालतें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए संकट के समय भी न केवल अहम भूमिका निभाई है बल्कि तकनीक का इस्तेमाल कर अदालतों को सर्वसुलभ बनाया है। सीजीआई ने कहा कि भारत की न्यायपालिका भौतिक स्वरूप से आगे निकलकर वर्चुअल मोड में भी तेजी से काम कर रही है और अदालती प्रक्रियाओं और उनके फैसलों से लोगों को अवगत कराने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है। उन्होंने कोविड-19 संकट का जिक्र करते हुए कहा कि जब फिजिकल मोड में अदालतों के संचालन में दिक्कत आई तो भारत ने वर्चुअल मोड को तेजी से अपनाया। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में 7,50,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कई अहम मामलों को, खासकर संवैधानिक मामलों की सुनवाई को YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग भी किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में अदालतें अपने फैसले आम जनमानस पर थोपती नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तौर तरीकों से मुकदमों का निपटारा करती है। उन्होंने अदालतों की पारदर्शिता पर जोर दिया और कहा कि भारत में अदालतें पारदर्शी प्रक्रिया अपना रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया अदालती फैसलों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी आम जनमानस के प्रति भी है, उन्हें सही वक्त पर न्याय सुलभ हो। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में G20 देशों के अलावा यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।